बुरहानपुर जिला प्रदेश का ऐसा पहला जिला है जहां चैत्र नवरात्रि में माता रानी के पंडाल में स्थापना की जाती है। आपको बता दें, यहां पर मां चैत्र महारानी की उपासना के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी संदेश दिया जाता है। साथ ही पंडाल में माता रानी के श्रृंगार में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। इस परंपरा के करीब 8 वर्ष हो चुके हैं। हर साल इसी तरह चैत्र नवरात्रि में माता की स्थापना की जाती है। ये जो चांदी के शस्त्र है पूरे माता रानी के गले में मंगल सूत्र है सोने का, और ये जो हीरे जवाहरात की आप बात कर रहे हैं तो ये हम बॉम्बे से लाते हैं, और ये पूरे डायमंडों का बनवा हार है, साड़ी है, साड़ी भी रॉ मटेरियल से ला करके हम पूरी तैयार करते हैं। साड़ी 7 से 8 दिन हमको वो साड़ी बनाने में पूरा श्रृंगार करने में लगते माता रानी। शास्त्रों में पहली बात तो ये है कि जो नवरात्र होती है वो 4 नवरात्र होती है, जिसमें शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र को सब जानते हैं। शारदीय नवरात्र में माता रानी की स्थापना और पूजन किया जाता है, और जबकि ये जो चैत्र नवरात्र है बड़ी नवरात्र है, इसे बड़ी नवरात्र कहते हैं। और इसमें भी हमने ये समिति द्वारा तय किया गया, क्यों ना हम भी उस शारदा नवरात्र की तरह ही इस नवरात्र में भी माता रानी की आराधना और उपासना करें। और ये बड़ी नवरात्र होने के कारण हमने इसे इसमें भी माता रानी की स्थापना करके यहाँ पर पूजा आराधना प्रारंभ की। यहाँ की जैसे माता के 9 दिन बहुत ही आकर्षण रहता है 9 दिन, और बहुत ही उत्सुकता रहती है सभी के मन में। यहाँ मतलब नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। माता खुद माता का नाम सोचते से ही मन करता है कि बस चलिए यहाँ पर और पूजा आरती में सम्मिलित हो, और बहुत ही अच्छा लगता है। और जहाँ तक माता के आशीर्वाद का है तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो सोचते हैं 9 दिनों में, हर साल हमें कुछ ना कुछ उसका आखिरी दिन आखिरी या साल भर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलता ही है।